नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री है 2014 से, अभी हम 2022 में है, आठवां साल है ये, तो तब अब तक क्यों नहीं बात आई? उत्तर प्रदेश के चुनाव से एक महीने पहले ही क्यों आया? वो सब हो गया, फीता वीता कट गया, शिलान्यास हो गया, अब कब बनेगा नहीं बनेगा कौन पूछने जा रहा है? तो कहने का मतलब है कि जब इनके पास असल मुद्दे की जो राजनीति होती है वो मुद्दों पे इनके पास जवाब नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24 टाइम में, मैं हूं अब्दुल। जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस एक बहुत ही पुरानी और प्रतिष्ठित पार्टी है। इसके अभी हमारे साथ एक नौजवान युवा और कार्यकर्ता और नेता भी कह सकते हैं हम यहाँ पे मौजूद हैं, उनके आवाज पे मौजूद हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले कड़ाके ठंड को लेकर के। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए, अभी जो मौसम चल रही कड़ाके की ठंड में, तो कड़ाके की ठंड में आप लगातार, हम कई दिनों से आपको देख रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। जी, ठंड का मौसम है और इस वक्त जो है समझिए शीतलहर चल रही है, और पिछले 4-5 दिनों से ठंड के ये आलम है कि धूप भी बड़ी शिद्दत के साथ निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन दमदार धूप नहीं निकल रही है। इसमें आम जनमानस को जो है काफ़ी परेशानी हो रही है, तो हम लोग की ये कोशिश है कि उन तक जो है जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उन तक पहुँचे और उनकी मदद करें, ताकि वो भी जो है ठंड में जो है वो ठीक ठाक ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकें, ये हम लोग की कोशिश है। अगर बात करें अभी यूपी चुनाव की, तो यूपी चुनाव में देखा जा रहा है कि रैलियों में लगातार जिन्ना के नारे लग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझना चाहिए कि जो उनका मैनिफेस्टो था आज से 5 साल पहले 2017 में, कि भाई हम आएंगे तो बेरोजगारी दूर होगी, हम आएंगे तो लोगों को जो है वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, ये इन सब पे नदारत रही ये सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार रही। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, विकास के मुद्दे ही नहीं है इनके पास, विकास के नाम पर ये चुनाव में जा नहीं सकते, इसीलिए ये आम जो जनमानस के जो मुद्दे, जो विकास के मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, भाई आज उत्तर प्रदेश का नौजवान और पूरे देश का नौजवान जो है सवाल पूछ रहा है कि भाई हमें नौकरियां दो, वो सवाल पूछ रहा है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर होनी चाहिए, वो ये सवाल पूछ रहा है कि भाई हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको बेहतर किया जाए। आज आप देख रहे हैं कि पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है पिछले 2 सालों से, और किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, गंगा के अंदर आपने देखा कि किस तरह से लाशें बह रही थी। सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार के पास इन चीज़ों का जवाब नहीं है। जब सरकार के मंत्री और विधायक अपने क्षेत्र में दोबारा वोट मांगने जा रहे हैं, तो उनको क्षेत्र के लोग वापस कर दे रहे हैं, उनको कैंपेनिंग नहीं करने दे रहे, उनको वापस लौटा दे रहे हैं कि आप तो 5 साल पहले आए थे और अब आ जा रहे हो। कोरोना की लड़ाई तो हमने अकेले लड़ी, हमारे परिजन मर गए, उनको जो है कोई शमशान कब्रिस्तान ले जाने वाला नहीं रहा, हमारे परिजन मर गए, उनको अस्पताल में देखने वाला नहीं रहा, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी रही। बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रतिष्ठित अस्पताल में इस बात के लिए मॉक ड्रिल किया जाता है, चेक कर किया जाता है कि क्या ऑक्सीजन की कमी है या नहीं है, और उसमें 20 लोगों की जान चली जाती है, और उस अस्पताल को क्लीन चिट दे दिया जाता है। कितने शर्म की बात है कि आप किसी की जान के साथ खेलकर मॉक ड्रिल की बात करते हो और उसको क्लीन चिट दे दिया जाता है। जब सरकार के पास इन मुद्दों का जवाब नहीं है, इन सवालों का जवाब नहीं है, तब सरकार इधर उधर के मुद्दे, ठीक है आपको हमको लड़ाने की बात करेगी, किसी जात किसी धर्म को किसी समुदाय के लोगों को लड़ाने की बात करेगी, कास्ट पॉलिटिक्स की बात करेगी, धर्म की बात करेगी, जब उनके पास विकास के मुद्दे नहीं है और जो असल मुद्दे उनसे वो हटना चाहते हैं, चूंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है पिछले 5 साल के अंदर। अगर 5 साल के अंदर उन्होंने कुछ किया होता सिवाय इसके कि पुराने प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास कर दिया हो या पुराने प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया हो, नए प्रोजेक्ट तो अभी आपने देखा कि चुनाव से 1 महीना पहले जेवर में एयरपोर्ट की बात 1 महीना पहले आई। अरे भाई, 5 साल से क्यों नहीं आई? आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी? नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री है 2014 से, अभी हम 2022 में है, आठवां साल है ये, तो तब अब तक क्यों नहीं बात आई? उत्तर प्रदेश के चुनाव से 1 महीने पहले ही क्यों आया? वो सब हो गया, फीता वीता कट गया, शिलान्यास हो गया, अब कब बनेगा नहीं बनेगा कौन पूछने जा रहा है? तो कहने का मतलब है कि जब इनके पास असल मुद्दे
की जो राजनीति होती है वो मुद्दों पे इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि हम ये सब चीज देंगे, बढ़िया करेंगे उत्तर प्रदेश को, ये कुछ कर नहीं पाए, तो इसीलिए उधर उधर की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, क्या आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जो आपने आरोप लगाया है जनता की मांग पूरी कर पाएगी? देखिए ये बात तो मैं नहीं कहूंगा, ये बात आप कहेंगे। अब आप बोलिएगा आप कैसे कहेंगे, 2014 से पहले जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल सबसे महंगा था, उस वक्त यूपीए की सरकार जो आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त पेट्रोल की कीमत 60-65-66 चल रही थी, डीजल की कीमत 45-50-52 चल रही थी, और आज जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल का दाम सबसे कम है, तब आप 110-115 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं, 100 रुपए का डीजल ले रहे हैं। एक मिनट, आप रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ, 350 रुपए का गैस उस टाइम पे महंगा लग रहा था, आज 1000 रुपए का रसोई गैस ले रहे हैं, उस समय पे 650 रुपए का कमर्शियल गैस महंगा लग रहा था, आज 2000 रुपए का कमर्शियल गैस ले रहे हैं। उस समय पर जो है वो आपको बिल्डिंग मटेरियल की बात कर लीजिए, वो छर जिससे मकान बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो आपको 2000 रुपए मिल रहा था, या आप ऐसे कर समझ लीजिए कि 20 रुपए जो मिल रहा था वो आज 65 रुपए मिल रहा है। उस समय में जो आपको सीमेंट जो है 180-190 रुपए का मिल रहा था, वो सीमेंट आज 350-400 रुपए का मिल रहा है। उस समय जो आपको जीवन व्यापन के लिए जो सामान चाहिए, रोजमर्रा की चीजें, उनमें देखिए किस तरह से आग लगी है, सब्जियां कहां आसमान छू रही हैं, आप देख लीजिए हर चीज का रेट बढ़ गया। तो ये हमने जो इस देश के अंदर जो सरकारें चलाई हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकारें चली हैं, वो तमाम सरकारें आम जनमानस के हित को देखते हुए चली हैं। और कांग्रेस, हम कहते हैं ना भाई कि कांग्रेस इस देश की आत्मा है, कांग्रेस लोकतंत्र की आत्मा है, कांग्रेस जो है वो हर जनमानस के अंदर बसी हुई है, इसीलिए जनता का दर्द समझती है, इसीलिए हम लोग जो है महंगाई पे जो है हम लोग का स्टैंड क्लियर रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जो है हम लोगों को जो है परेशान नहीं करेंगे। आपने देखा कि कांग्रेस की जो सरकारें चली हैं, पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश कर गया, इकोनॉमी डाउन चली गई 2008 में, लेकिन इंडिया में उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में इतने मशहूर, इतने दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में वो सरकार चल रही थी और इतना बेहतरीन ढंग से चला। पहले बेरोजगारी की जो रेट थी वो देश में 2% थी, आज 22% से ज्यादा है। तो आप बताइए ना, हमने तो काम करके दिखाया।